bhaktya mam avijanati yavanyaschasmi tatvata tato mam tatvato gyatva vishute tadanantaram. भक्ति से भगवान को जाना जा सकता है. किसी भी व्यक्ति को आपको जानना हो तो उसके संपर्क में आना पड़ेगा. ये सीआईडी वाले क्या करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले क्या करते हैं? ये किसी व्यक्ति को जानने के लिए, किसी बदमाश को जानने के लिए, किसी सीरियल किलर को जानने के लिए, पकड़ने के लिए पहले उसके संपर्क में आते हैं किसी भी रूप से, मित्र बन के, पड़ोसी बन के, वेश बदल के या उसके जैसा वेश धारण करके, या वो जहां पर सैलून पे जाता है उस सैलून पे बैठ करके उसकी जैसी कटिंग कराते हैं कि कोई तरह से इसकी मेरी बात शुरू हो जाए तो ये अपना भेद खोले कि वास्तव में चक्कर क्या है, कितना जाल फैला रखा है. तब जान जाते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं. ऐसे ही भक्त जान जाता है भक्ति करके, प्रेम करके प्रभु को, फिर प्रभु के चरणों को नहीं छोड़ता. फिर लाख कोई उसके सामने भ्रम उपस्थित करे, वो भ्रम उससे परे रहते हैं, सारे भ्रम गिर जाते हैं उसके. इसी प्रकार से है, अहंकार नहीं जानने देता उस साकार स्वरूप को, भगवान श्री कृष्ण को. इसमें अहंकार को बड़ी क्षति होती है कि कृष्ण और हमारे जैसे देहधारी और वो परमेश्वर देवकी का पुत्र, ग्वालों के साथ गाय चराने वाला, छोटे मोटे राक्षसों को मारा तो क्या हो गया, कोई भी मारता है. अरे युद्ध में लाखों लोगों लोग मरते हैं, मारने वाले मारते हैं, बम फेंक देते हैं. जापान में लाख आदमी मर गए एक बम ब्लास्टिंग हुआ एटम से, तो क्या हो गया, देव की पुत्र है तो क्या वो कोई परमेश्वर है? तो ऐसे असुर बुद्धि वाले लोग नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि भक्ति प्रेम उनके हृदय में नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो कैसे पहचाने? तो भगवान ने यह स्पष्ट किया है एक जगह नहीं जगह जगह कि मैं तुम सबका बाप हूं, तो ओरिजिनल बाप हूं तुम्हारा, मेरी पूजा करो, मेरी शरण में आओ, मुझे प्रसन्न करो, मुझे प्रसन्न करने के कर्तव्य करो तो तुम्हारा कल्याण है, तो मैं तुमको गोदी में उठाऊंगा, वरना डोलोगे संसार में भटकते तड़पते दुखों में. बार बार ये जन्म मरण जरा व्याधि में पढ़ते रहोगे, डोलते रहोगे, हजारों माताओं के गर्भ में जाओगे, बाहर निकलोगे, रोओगे, चिल्लाओगे, दूध पियोगे, फिर बड़े होगे, फिर बॉल खेलोगे, खिलौने खेलोगे, फिर एक ब्याह रचाओगे, फिर बच्चे पैदा करोगे, फिर कमाने जाओगे, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर मरोगे, वही कर्म करोगे बार 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 बार. नहीं, इससे मोक्ष, इससे मुक्त होने के लिए भगवान उपाय बतला रहे, विधि बतला रहे. ये भागवत गीता का ज्ञान है. जो इससे वंचित रहता है वो संसार में फंसा रहता है, जो इसकी शरण ले लेता है इस ज्ञान की, वो भगवान को पहचानने लगता है, भगवान की ओर जाने लगता है, चला जाता है. एक दिन शरीर तो गिरेगा, इस शरीर को त्याग के सीधे ही भगवान के धाम को जाए, वो व्यक्ति परम है, वो व्यक्ति महान है, वो महात्मा है, वो धर्मात्मा है. क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शश्वत शांति, उसको ही शाश्वत शांति मिलती है, इटर्नल पीस, परमानंद. इटर्नल पीस, पीस में शांति होती है, इसका अनुभव करो कभी. आप थोड़ा पीसफुल बैठ जाओ, कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद मिलता है पीसफुल बैठने में, कितना आनंद मिलता है. पीस नाम ही, शांति नाम ही आनंद का है. जहां अशांति है वहां आनंद ले सकते हो आप. आपका मन अशांत है, परिवार अशांत है, आप अशांत हैं, या देश अशांत है, तो आनंद ले सकते हो आप. ऐसे ही अशांत अवस्था में आदमी को आनंद नहीं मिलता, लेकिन शांत अवस्था में आनंद का अनुभव होता है, चाहे वो सांसारिक स्तर पर
और कुछ समय के लिए होता है, लेकिन आध्यात्मिक शांति, शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद को कहा है। शाश्वत शांति निगच्छति को शाश्वत आनंद का अधिकारी बन जाता है। क्षिप्रम शीघ्र ही, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मेरी शरण लेकर के एक दुराचारी व्यक्ति भी शीघ्र ही कुछ ही समय में उसकी श्रद्धा के अनुसार, उसके प्रेम के अनुसार व्यवहार, वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है, यानी शुद्ध भावना भावित हो जाता है, भगवत भावित हो जाता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है, इटर्नल पीस को प्राप्त कर लेता है, परमानंद को प्राप्त कर लेता है। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, तू घोषणा कर दे कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता। क्यों कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि कोई देवताओं के भक्ति करता है, कोई मनुष्यों की भक्ति करता है, कोई भूत प्रेतों की भक्ति करता है, इनका नाश होता है, ये आदि अंत वाले हैं, इनका जन्म होता है फिर मरते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरा भक्त शाश्वत रूप से मेरे धाम का वासी बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्ता प्रयच्छति। फिर ये दुराचारियों में कितना भी दुराचारी हो, भगवान की शरण में आएगा तो उसको ये फल मिलेगा, भगवान का धाम मिलेगा। भगवान की शरण में चाहे स्त्री हो, चाहे कोई पाप योनि चांडाल हो, या कोई वैश्य बिजनेसमैन हो, वैश्या ही क्यों ना हो, या बिजनेसमैन कहते हैं कि अरे महाराज कहां टाइम हमारे पास, इतना कारखाने चला रहे हैं, कहां तुम कहां गए, भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो, जागृत होकर के सब काम करो, जैसे कर रहे हैं करने दीजिए, हमको मतलब है पैसे से, हमको मतलब है प्रतिष्ठा से, हम संसार के सबसे धनी बन जाएं, क्या करना है हमको भजन का और भगवान का, तो फंसे हुए हैं वो। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो बिजनेस क्लास है, वैश्य है, वो अपना सारा कारोबार चलाते हुए भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं, छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है, संसार में रहते हुए ही भगवान को प्रसन्न करना है। तो क्या बिजनेस करते हुए क्या भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते, उनका ध्यान नहीं रख सकते, जागृत नहीं रह सकते, अचेतन हो जाते हैं, अचेतन होकर रहोगे तो अचेतनता में आपको आपकी अधोगति है, चैतन्यता में ऊर्ध्वगति है। चैतन्य होकर जीवन जियोगे तो ऊपर की गति को प्राप्त करोगे, और अचेतनता में जियोगे तो नीचे की गति को प्राप्त करोगे, और प्रभु के बनकर संसार में व्यापार करोगे तो प्रभु के हो जाओगे, व्यापार करते करते भी और शरीर त्यागने के बाद भी भगवान के धाम में जाओगे। भगवान कहते हैं कि मामी पार्थ विपासर तत्ते अपि शिहु पाप योनयः स्त्रियो वैश्याश तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गति। शूद्र भी, शूद्र किसको कहा है, कम बुद्धि वाले को, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, खेती बाड़ी करता है या कोई मजदूरी करता है, अपना गुजारा करता है, ऐसे व्यक्ति भी आजकल जो शूद्र का शब्द का अर्थ का अनर्थ कर दिया, वो तो बिल्कुल गलत है, भगवान ने इस विषय में तो कभी जाना भी नहीं कि इस अर्थ का अनर्थ कर देंगे लोग कि कोई कम बुद्धि वाला है या कोई कर्मचारी है, वर्कर क्लास है, मेहनत मजदूरी करता है, उसको तुम छुओ नहीं, पाप लगेगा, ये तो पौंगे पंडितों की बदमाशियां हैं। नहीं,
कोई छोटा व्यक्ति है, छोटी बुद्धि का है, बुद्धि ज्यादा नहीं है, शिक्षित ज्यादा नहीं है, या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कोई मजदूरी मेहनत करके खाता है, तो उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते, उसको कभी गले नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं, वो भी हमारा ही भाई है, हम सब एक पिता की संतान है। लेकिन समय के अनुसार शब्दों का विनाश हो जाता है या अर्थ का अनर्थ निकलने लगता है, तब गड़बड़ मचती है। यहां भगवान कहते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है, जो मेहनत मजदूरी में लगे हुए हैं, उनको कमाने खाने के सामने ही कुछ फुर्सत नहीं मिलती, नहीं वो भी मेरी शरण में मेरा नाम स्मरण करके मुझे मेरे धाम को आ सकते हैं। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वैश्य हो या वैश्या भी हो, कोई कम पढ़ा लिखा हो, कोई वर्कर क्लास हो, उसको शूद्र कह के बोला है संस्कृत भाषा में। शूद्र का मतलब ही क्षुद्र से है, जो छोटा है, छोटी बुद्धि का है। इसमें यह नहीं कि आप उसको छुओ नहीं, प्रेम नहीं करो या उसको तिरस्कार करो, ये तो सब गड़बड़ वाली बात है समाज के ऊंचे अभिमानी आदमियों की। भगवान के हृदय में तो सब समान है, समम सर्वेषु भूतेषु, सारे भूत प्राणी मेरी दृष्टि में एक ही हैं। तो भगवान की दृष्टि में एक ही हैं, तो आपकी दृष्टि में भेदभाव क्यों है? भगवान ने तो चार डिवीजन बनाए समाज के, कि एक स्कॉलर क्लास होता है, एक वॉरियर मिलिट्री होती है, एक बिजनेसमैन होता है और एक वर्कर होता है। भगवान ने यह नहीं कहा आप लोगों से कि उस वर्कर क्लास को छूना नहीं, वो अछूत है। नहीं, ये तो समाज में ये चारों डिवीजन अपने आप बन जाते हैं, इस विषय में एक इशारा दिया है गीता में, लेकिन उसका अनर्थ कर देना आडंबरी लोगों का काम है, आडंबर फैलाने वालों का काम है, अपने अहंकार को बड़ा करने वालों का काम है। अपने को ऊंचा बतलाओ, दूसरों को नीचा बतलाओ, उनका काम है। स्वयं परमात्मा भी सभी को एक दृष्टि से देखते हैं, तो फिर ये आडंबरी लोग क्यों ये भेदभाव करते हैं? तो समाज में फिर विकार उत्पन्न होता है, वैमनुष्यता फैलती है, इसके जिम्मेदार फिर यही हैं। तो ये बीमारी को निकालना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कोई भी क्यों ना हो, चांडाल भी क्यों ना हो, जो पापिष्ट है, नीचे से नीचे पाप करता है, वो भी मेरी शरण लेके, मेरा भजन करके और मुझे प्राप्त कर लेता है। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो फिर पवित्र ब्राह्मण कहा है जो आत्मस्वरूप हो गए हैं, ब्रह्मवेत्ता हो गए हैं। याद रहे ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से ही निकला है, ब्रह्म आत्मा को कहा है और ब्रह्म परमात्मा को भी कहा है, परम ब्रह्म कह के पुकारा है। लेकिन ब्रह्म शब्द आत्मा को भी बार बार शास्त्रों में कहा गया है। तो ये पवित्र ब्रह्म किसको कहा है? जो आत्मा की भावना पवित्र है, जिसकी कॉन्शियसनेस प्योरिफाइड है, भगवत भावित हो चुकी है पूर्णतया। भगवान कहते हैं फिर उनका तो कहना ही क्या है, जिनकी भावना पवित्र है, जो पवित्र ब्राह्मण है। बड़े बड़े संत हैं, ये पवित्र ब्राह्मण है। बड़े बड़े राजऋषि हैं, जनक महाराज जैसे, अम्बरीश महाराज जैसे, जो भगवान के शुद्ध भक्त भी हैं और पृथ्वी के सम्राट भी रहे, राजाओं की गद्दियों पर भी हैं,
लेकिन भगवान के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। ऐसे भक्तों के उदाहरण मिलते हैं भागवत के अंदर। भगवान कहते हैं फिर ये जो दूसरे जो ऊंचे पदों पर पहले से स्थिर हैं, कोई प्रकाशवान हो गया है, परम ब्राह्मण है, पवित्र ब्राह्मण है, तो यदि ये मेरी शरण ले ले तो फिर इसका कहना ही क्या है। जब ये पाप योनि भी शीघ्रता से मुझे प्राप्त कर लेते हैं, फिर ये इतने एलिवेटेड, इतने ऊपर उठे हुए महात्मा जन हैं, चाहे वो निराकार में हो या दूसरे क्षेत्र में हो या अभ्यास कर रहे हो या सिद्धियों को प्राप्त कर रहे हो, या जनक ऋषि जैसे निराकार के उपासक अष्टावक्र गुरु महाराज उनके, किसी भी रूप से अगर ये मेरी शरण में आ जाए तो ये मेरा धाम प्राप्त कर लेते हैं, मुझे प्राप्त कर लेते हैं शीघ्र। जब चांडाल भी शीघ्रता से, चांडाल बोले तो नीचे से नीचा पाप करने वाला व्यक्ति, वो भी मुझे मेरी शरण लेके, मुझे भज करके, मेरी सेवा शुश्रूषा करके शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है, तो फिर इनका तो कहना ही क्या है। जो राज ऋषि हैं, पवित्र ब्राह्मण हैं या मेरे भक्त हैं, भक्त भी सभी तो शत प्रतिशत शरण में नहीं होते, भक्त तो बहुत है भगवान के, लेकिन कोई 30% शरण में है, 70% संसार में है, कोई 50% है, 50% संसार में है, कोई 75% भगवान की तरफ है, लेकिन 25% अभी और भी उसकी इच्छाएं भोग विलास बच गए। लेकिन यहां पर भक्त कहा है ऐसे ही लोगों को जो पूर्ण भक्त नहीं बने हैं। अगर वो 100% मेरी शरण में आ जाए तो वो भी शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ताः राजऋषयस्तथा अनित्यम ऐसुकम लोकम इमं प्राप्त भजस्व माम। फिर ये अनित्य और जो असुखम, यानी जिसमें सुख नहीं है, ऐसे संसार में आ करके क्यों नहीं मेरा भजन करेंगे, वो तो अवश्य मेरा भजन करते हैं, मुझे प्राप्त करते हैं, मेरे पास आ जाते हैं। अंत में 9वें अध्याय के अंत में जो प्रत्येक अध्याय में एक भगवान फूल जैसा खिलाते हैं, परम ज्ञान बांटते हैं, वो श्लोक है। इस श्लोक का आनंद लीजिए आज भी और इसके बाद आने वाले सत्संग में भी। ये बड़ा प्यारा श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, मेरे में मन वाला हो, मनमना भव, तेरे मन में 24 घंटे मेरी यादगार, मेरी स्मृति बनी रहे, 24 घंटे मनमना भाव। जैसे गोपियों के हृदय में, गोपियों के मन में सदैव भगवान श्याम सुंदर समाये रहते थे, ठीक वैसे ही गोपियों का उदाहरण यहां पर बड़ा श्रेष्ठ है। गोपियां सभी काम करती थी, अपने घर का काम काज करती थी, खेतों पर जाकर भी काम काज करती थी, लेकिन भगवान को कभी नहीं भूलती थी। उनकी ऐसी लगन लगी हुई थी कृष्ण जी में कि एक पल को भी उनको भुलाना असंभव था। उनके पतियों के साथ भी रहते हुए भी कृष्ण को नहीं भुला पाती थी। सोते जागते, उठते बैठते, नहाते धोते, दही बिलोते, रोटी बनाते, भोजन बनाते, खेतों पे काम करते, सभी समय उनका भगवान के स्मृति में गुजरता था। भगवान श्याम सुंदर को वो अपने मन से एक पल को भी नहीं हटा पाती थी।